लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनी एंड क्रेडिट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसका कंक्लूडिंग पार्ट टू डिस्कस करेंगे और ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए, मनी एंड क्रेडिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि व्हाट इज मनी। मनी दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने बार्टर सिस्टम डिस्कस किया था। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और बैंक के जो सोर्स इनकम के बैंक के क्या सोर्स होते हैं, बैंक को इनकम कहां से आती है, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज क्रेडिट। तो क्रेडिट को हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में किया जाता है, दैट इज नोन एज द क्रेडिट। तो क्रेडिट में लोन एग्रीमेंट और वन पार्टी लेंडर होती है जो लोन देता है और सेकंड पार्टी होती है बॉरर जो लोन लेता है। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है दैट इज नोन एज द लोन एंड दैट इज नोन एज द लोन क्रेडिट। क्रेडिट लोन उसको बोला जाता है। तो टर्म्स ऑफ जो लोन दिया जाता है, जो क्रेडिट दिया जाता है, उसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। जैसे बैंक ने लोन दिया किसी को, तो अब बैंक उनसे जो लोन वापस लेगा, जो रीपेमेंट होगी लोन की, उसमें डिसाइड किया जाता है पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बैंक को वापस जो लोन मिलेगा वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पे किया जाएगा, उसमें कोलेटरल्स क्या होंगे। जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया तो बैंक उसे पूछता है कि अगर आप ये लोन नहीं दे पाए, इन केस यू विल नॉट बी एबल टू पे द टू रीपे द लोन, देन फ्रॉम वेयर द बैंक विल कलेक्ट इट्स मनी। तो उसके लिए कोलेटरल रखा जाता है, कोलेटरल इन द सेंस जिसको मॉर्गेज किया जाता है। तो कोलेटरल का मतलब है कि किसी आदमी के पास लैंड है, बिल्डिंग है या व्हीकल्स हैं या होम है, तो उसको वो एज ए कोलेटरल रखते हैं, एज ए गारंटी रखते हैं। उनका ये मतलब होता है कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाया बैंक को, तो बैंक इन जो मेरा कोलेटरल है वहां से अपना रिफंड या रिपेमेंट बैंक वहां से कर सकता है, उसको मॉर्गेज कर उसको बेच कर किसी भी तरह से बैंक उससे पैसा कलेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कोलेटरल्स क्या होते हैं, तो ये जो सारी चीजें होंगी सब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होती हैं कि उसका प्रॉपरली एग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा जाता है, साइंस होते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है उसका। और मोड ऑफ रीपेमेंट कैसे होगा, मोड ऑफ रीपेमेंट में कैसे बैंक को आप पैसा वापस करेंगे, कैश से करेंगे, चेक से करेंगे, ड्राफ्ट्स के थ्रू करेंगे, कितने पीरियड में करेंगे, ईएमआईज बनेंगी जिसमें एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट आप देंगे, तो किस मोड ऑफ रीपेमेंट जो बैंक को दिया जाएगा वो किस तरह से दिया जाएगा, ये हम सब चीजें पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। तो क्रेडिट की भी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। दो इसकी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं, या तो क्रेडिट लेकर हम उसको, जो लोग क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, जैसे इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, सलीम एक शूमेकर है और एक स्वप्ना एक फार्मर है, तो दोनों ने बैंक से लोन लिया, लेकिन सलीम ने उस क्रेडिट से, उस लोन से प्रॉफिट अर्न किया, तो वो तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, दैट वाज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट। और स्वप्ना जो थी, हु वाज द फार्मर, वो उस लोन से प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाई और वो डेब्ट ट्रैप में चली जाती है। तो डेब्ट ट्रैप का मतलब एक जाल होता है इस तरह का, और उसमें फंस जाते हैं, फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वहां से बैंक को रीपे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दैट इज उसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। तो दो कंडीशंस होती हैं इसकी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सलीम ने किस तरह से शूमेकर, और उसने इस प्रॉफिट से प्रॉफिट अर्न किया और सपना को उसमें लॉस हुआ, तो दैट वाज द डेब्ट ट्रैप था। अब इसमें टू सेक्टर्स होते हैं क्रेडिट के, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो फॉर्मल सेक्टर का मतलब है कि जिस आदमी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को या बॉडी को लोन लेना है, तो फॉर्मल तरीके से तो बैंक के पास जाएंगे। फॉर्मल सेक्टर्स में दो सेक्टर्स हैं जैसे क्रेडिट के, तो फॉर्मली वो बैंक के पास जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, टर्म्स सारी डिसाइड होंगी और बैंक उनको लोन देगा। दूसरा होता है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में एक लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर्स में पीपल इकट्ठे होते हैं, 2,000, 2,500, 3,000 लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, और वो जो कोऑपरेटिव है उसमें सभी इंडिविजुअल्स अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं, और वो जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो जो अमाउंट आता है, उस अमाउंट को एज ए कोलेटरल वो बैंक के पास रख देते हैं, और उस कोलेटरल को लेकर बैंक उस कोऑपरेटिव को लोन दे देता है। तो ये तो सब फॉर्मल सेक्टर्स में होता है, और उसमें जो कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स होते हैं, फिर वो उस लोन का अपना उसको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो ये तो फॉर्मल वेज होती हैं जहां से लोगों को पैसा मिलता है, जिसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं और एक पूरा प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं।
एक इनफॉर्मल सोर्स भी होते हैं, सेक्टर्स होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में जिनको लोन चाहिए, जो पैसा, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम क्या होती है, कोलेटरल्स नहीं होता, तो बैंक को देने के लिए कोलेटरल नहीं है, तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो मनी लेंडर्स के पास चले जाते हैं, जो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, या ट्रेडर्स के पास जाते हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर्स के पास जाके पैसा लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स से या रिलेटिव से मनी अरेंज करते हैं। तो ये क्रेडिट का एक सेक्टर होता है जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। ये इनफॉर्मल सेक्टर था। तो अब बात की नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो बैंक्स पैसा दे रहा है लोगों को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बॉडी को, तो उसका सुपरविजन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा प्रॉपरली सुपरवाइज करती है कि किस बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, किस बैंक को किस दिन कितना लोन दिया गया, और उस लोन को आगे बैंक ने किस तरह से डिसबर्स किया। उसने उस लोन को क्या सिर्फ जो रिच पर्संस, इन्फ्लुएंशियल पर्संस और बड़े ट्रेडर्स थे या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स या बड़े बिजनेसमैन थे, सिर्फ लोन उन्हीं को दिया गया, या छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो चला रहे हैं उनको भी, या फार्मर्स को भी लोन दिया गया है, नहीं तो ये, और कितना इंटरेस्ट पर दिया गया, प्रॉपरली इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बैंक क्या कार्रवाई कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सुपरविजन में आते हैं। आरबीआई इसका पूरा सुपरविजन करता है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वहां पर कोई सुपरविजन नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट्स और इस तरह की चीजें वहां नहीं होती हैं, तो दैट्स व्हाई वहां पे आरबीआई कोई सुपरविजन नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंडिंग में दो तरह से टाइप ऑफ लैंडिंग होती है, एक होती है फॉर्मल लैंडिंग, होती है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लैंडिंग में तो जो रिच पर्सन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो प्रॉपरली बैंक्स के पास जाकर अपना लोन लेते हैं, दैट इज द फॉर्मल लैंडिंग। लेकिन जो इनफॉर्मल लैंडिंग होती है वो, उसमें पुअर पीपल्स के पास कोलेटरल नहीं होता बैंक को कुछ देने के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम रहती है, तो उनको और वो जो पुअर पीपल्स हैं वो उनका जो नंबर है वो काफी लार्ज नंबर है, तो कैसे कंट्री प्रॉस्पेरस करेगी जब इन लोगों की प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए बेसिकली इसमें ये सॉल्यूशंस निकलता है कि या तो बैंक जो उसका लेंडिंग अमाउंट है, जो बैंक के पास पैसा है जो उसको आगे लोन पर देना है, उस अमाउंट को इंक्रीज करे, कम इंटरेस्ट पर पुअर पीपल्स को, नीडी पीपल्स को लोन्स प्रोवाइड करवाए जाएं जिससे उनकी प्रॉस्पेरिटी और अल्टीमेटली कंट्री प्रॉस्पेरस हो। दूसरा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें 15 मेंबर या 20 मेंबर के करीब लोग इकट्ठे होते हैं, जो नेबरहुड के लोग होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, 15-20 लोग इकट्ठे हुए, और वो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, फोर्टनाइटली या मंथली कुछ पैसा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस तरह से वो इकट्ठे करते हैं, और एक उनके पास छोटा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। अब उसमें जिसको नीडी होता है, जो ज़्यादा अर्जेंटली जिसको नीड होती है, वो उसमें से पैसा ले सकता है, और विद इंटरेस्ट वो उसको वापस भी करता है। तो ये प्रोसेस अगर उनका 1-2 साल तक प्रॉपरली चलता है, और वो ये दिखाते हैं कि हमने इसमें हमने कुछ डेवलपमेंट की है, कुछ हमने प्रोग्रेस की है, कुछ अर्निंग की है, अर्निंग इन द सेंस जो मेंबर पैसा लेता है, जब वो वापस करता है उसको, तो वो इंटरेस्ट के साथ वापस करता है, तो वो उनकी सेविंग्स होती है। तो अगर वो सेविंग्स दिखा देते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, जिनको SHG बोला जाता है, तो बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर देता है, तो जिससे कि वो बाद में अपना छोटा मोटा बिजनेस वगैरह कुछ शुरू करवा सकते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जो NCERT में दिया हुआ है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के अंदर एग्जाम्पल है, जो मोहम्मद यूनुस ने, वॉज द फाउंडर ऑफ दिस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जिन्होंने 1970 में इसको एस्टेब्लिश किया था, और बाय 2012 तक आते आते उस बैंक से जिन्होंने बोरिंग की, जो बोरर्स थे, उनका नंबर 8.37 मिलियन तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये बैंक्स जो है, ग्रामीण बैंक या SHGs ग्रुप्स, वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं, और वो ग्रामीण बैंक वो बांग्लादेश अराउंड 81,000 विलेजेस के अंदर स्प्रेड है, और जिसमें ऑलमोस्ट जो पुअर लेवल की जो वीमेन्स है वो उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस वीडियो में देखा कि दैट वॉज द होल वीडियो ऑफ द मनी एंड द क्रेडिट। दिस वॉज द सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के लिए आप पहली बार वीडियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।